मेरे ख्याल से अब ये बातें खत्म होनी चाहिए कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये बातें खत्म होनी चाहिए। ऑन द फील्ड आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही चीजें सब देखता हूँ, और जो मेरे फाइनल 11 होती है वो भी मेरे मेरी फाइनल होती है और इनपुट होती है बिल्कुल। मैनेजमेंट मैनेजमेंट से पूछता हूँ मैं, और जो मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे कप्तान बनाया, तो वो मेरा रोल मुझे पता है मेरा क्या है। मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना सोचने का तरीका है। सर कोच, सर ये तो पीसीबी बता सकता है इसमें, मेरा मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब प्लेयर को, पूरी टीम को सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आई एम हैप्पी। मेरे ख्याल से हर एक का अपना ओपिनियन है। सेल्फिश मेरे ख्याल से इसको नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से मैं इसको ये कह सकता हूँ कि टीम का रिक्वायर्ड जो होती है, उस हिसाब से मुझे खेलना पड़ता है। कभी कभार आपको तेज भी खेलना पड़ता है, और आपको टीम को देख के आपको पूरी अपना प्लान करना पड़ता है। कभी कभार आपको पता है कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं अपनी थोड़ी सी गेम चेंज कर लेता हूँ, अपनी गेम से हटके मैं अपनी गेम करता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से लोगों को सेल्फिश लगता है, लेकिन मुझे एज अ प्लेयर मुझे टीम को लेके चलना पड़ता है, और कोशिश ही होती है कि यार जो टीम को उस टाइम जरूरत हो कि यार मुझे वहां पे तेज खेलना है या मुझे स्लो खेलना है, कि मैं एंड तक जाऊं तो टीम का टोटल अच्छा हो और टीम को वहां से निकालूं। और मेरे ख्याल से हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, मैं इसको इतना सोचता नहीं। जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, उसी के साथ ही हम जाएंगे। जो हमारा मेन कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाएंगे, जो हमारे सेकंड स्पेस है। और कोशिश अभी मेरे ख्याल से आज फाइनल देखेंगे विकेट के किस प्लेयर को हमने खिलाना है, और एक आधी चेंज तो होती है, वो कंडीशंस को देखे कि इस कंडीशंस में कौन बेहतर रहेगा, तो इंशाल्लाह आज हम फाइनलाइज करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते। आप इंटरनेशनल टीम है और होम कंडीशन है उनकी, तो जैसे हम खेलते आ रहे हैं, विनिंग मोमेंटम चल रहा है, टेस्ट मैच है, टेस्ट स्क्वाड, तो उसी को लेकर चलेंगे, और किसी भी टाइम रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये कमबैक करती है, और आपने देखा था कि जिस तरह T20 में वो कमबैक किया था एक मैच में, तो ये टेस्ट मैच में हमें इनको इजी नहीं ले सकते। तो हम अपना पूरा 100% देंगे और पूरे फोकस से खेलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों यूनुस भाई भी समझा रहे हैं, प्लेयर भी समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभार देखें परफॉर्मेंस 11 के 11 प्लेयर नहीं करते, या 6 के 6 या 7 के 7 बैट्समैन नहीं करते। उसमें से 2 प्लेयर्स करते हैं, जिसमें से एक लंबा स्कोर करता है और 7 छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है। और मेरे ख्याल से जितना वो प्लेयर को वो बैक कर रहे हैं और जितना उनको बैठ के बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि इतना बड़ा प्लेयर हमारा बैटिंग कोच है, और उनसे हम काफी कुछ सीख रहे हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, और वो चीजें हम उनसे भी सीख रहे हैं।